मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुझे अब कॉल मत करना। मैं तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। इतने कमजोर और कम हिम्मत इंसान निकलोगे अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बहन को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करता। बहुत दुख है मुझे कि मैंने अपनी फरिश्ते जैसी बहन को ऐसे दरिंदों के हाथों सौंपा है जिनको उसकी मासी उम्मीद की अहमियत ही नहीं थी। लानत तो तुम सब पर। ए, आज तुम मुझे और मेरी फैमिली को लानत मलामत कर रहे हो। कौन सा एहसान या नेकी गिनवाऊं तुम्हें? तुम वो सांप हो जो दूध पिलाने का बदला जहर देते हो तोहफे में, और तुम्हारी बहन वो नागिन जो मोहब्बत के बदले मौत देती है। फाइज, तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी कहना है कह दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। मुझे तुम्हारे कच्चे कानों और कमजोर दिमाग पर अफसोस है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नुकसान सिर्फ हरीम का हुआ है। तुमने एक अय्याश बदफितरत अमीरजादे का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। शट अप। अपने और अपनी बहन के पारसाई और नेकियों के किस्से जाके किसी और को सुनाना, किसी और बेवकूफ और अहमक को, मैं नहीं हूं।